अभी कितना पैसा चाहिए? यही है, देख लो अगर चलता है। हाँ कार्ड देखो, अगर पैसा है तो मुझे मालूम नहीं था तो नहीं है। तो इनका भी है, इनका कितना है? नहीं यार इनका तो नहीं है। चलो आओ, आधे जो बढ़ दो तो कितना? वो तो कितना बढ़ गया? नहीं जो, हाँ मैं, जम से 10,000। वो वैन शील जो है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आए हैं अलखर्ज में, ज़ू पार्क में, जो ज़ू पार्क के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ही बड़े बड़े झूले हैं इसमें और घूमने का बड़ा मज़ा आता है। तो चलें आपको वीडियो दिखाते हैं। अभी हम आए हैं पार्क में, तो माशाल्लाह पार्क बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़े बड़े झूले हैं। अब्दुल्ला इब्राहिम बड़े खुश हो रहे हैं और मैंने भी ये पार्क पहली बार ही देखा है। चलें आपको दिखाते हैं। ये कितनी प्यारी स्लाइडिंग है। जी लाओ बंद ही रहन दे, इनू रहन दे। चलो अब्दुल्ला, आ जा।
लाओ हम अंदर जा रहे हैं गाड़ी पे, मामा को दे गाड़ी पे जा रहे हैं। पार्क है और ये सामने जो नज़र आ रहा है वो सामने गेट, ये एंट्री है ज़ू की। तो अभी हमने बाहर से टिकट ली है, तो टिकट अभी हमने बाहर से टिकट ली है, वहाँ से लेके अंदर आए हैं। अंदर सारे झूले वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे झूले लेंगे, उसके बाद जो है ना वो अंदर एंटर होंगे। तो अभी मैं अब्दुल्ला बैठेंगे गाड़ी पर, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है कार, उस पर बैठेंगे तो झूले लेंगे, उसके बाद हम जो है ना वो ज़ू में एंटर होंगे और ज़ू की जो है ना वो टिकट वो लेंगे। ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये अंदर ज़ू है और ये कमरे बने हुए हैं। अगर आपने इधर एक दिन के लिए लेना है तो वो आपको कमरा भी मिल जाएगा रहने के लिए। यानी पार्क में आप अगर रुकना चाहते हैं, जुमे को आए हैं और आप हफ्ते को सुबह जाएं, तो आपको कमरा रहने के लिए मिल जाएगा। और ये सारा जो है ना वो पार्क है और इस तरफ भी फैमिली बैठी हुई है जी। तो हम ज़ू पार्क आए थे अलखर्ज, बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह घूमने का, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। तो अगर आप खर्ज में आएँ या सऊदीया में हैं कहीं, तो आप खर्ज में आएँ और पार्क में ज़रूर जाएँ, बड़ा मज़ा आएगा।
क्योंकि हमने रियाज भी घूमा है, वो भी बहुत मज़े वाली चीज़ें हैं वहाँ खाने के लिए, और पार्क भी बहुत अच्छे हैं घूमने के लिए। लेकिन ख़र्च भी जो है ना वो कम नहीं है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बहुत प्यारा जो है ना वो यहाँ माहौल है।